संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मोदी सरकार को एक बार फिर अपने बयान से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आरएसएस प्रमुख ने नागपुर में प्रहार समाज जागृति संस्था के रजत जयंती कार्यक्रम के अवसर पर कहा कि देश इस समय कोई युद्ध नहीं लड़ रहा है, किसी भी देश ने भारत पर हमला नहीं किया है, इसके बावजूद देश की सीमाओं पर सैनिक शहीद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को आज़ादी मिलने से पहले देश के लिए जान कुर्बान करने का वक्त था। आज़ादी के बाद युद्ध के दौरान किसी को सीमा पर जान कुर्बानी करनी होती थी, लेकिन हमारे देश में इस वक्त कोई युद्ध का माहौल नहीं है, फिर भी सैनिक शहीद हो रहे हैं क्योंकि हम अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। मोहन भागवत ने इस दौरान किसी पार्टी या राजनेता का नाम नहीं लिया है, लेकिन बयान से साफ पता चल रहा है कि वह किसकी ओर उंगली कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर वो युद्ध नहीं है तो कोई कारण नहीं है कि कोई सैनिक सीमा पर अपनी जान गंवाए, लेकिन ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसे रोकने और देश को महान बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। लड़ाई हुई तो सारे समाज को लड़ना पड़ता है, सीमा पर सैनिक शहीद हो जाते हैं, सबसे ज्यादा खतरा वे मोल लेते हैं। खतरा मोल लेकर भी उनकी हिम्मत कायम रहती है। सामग्री कम ना पड़े, अगर किसी का बलिदान हो गया तो उनके परिवार को भी कमी ना हो, यह चिंता समाज को करनी चाहिए। संघ प्रमुख ने आगे कहा कि देश में नीतियां सभी को प्रभावित करती हैं। मैं ना तो नीति बनाता हूं और ना ही आप, लेकिन हम सभी को इसका प्रभाव झेलना पड़ता है। मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है, मैंने इसे नहीं बढ़ाया है और ना ही आपने, लेकिन हम सभी को भुगतान होगा। बेरोजगारी बढ़ गई है, मैंने ये नहीं किया, ना तो इसे बढ़ाया है और ना ही आपने, लेकिन हम सभी को भुगतना होगा, इसलिए हमें अपने देश के लिए जीना सीखना होगा। संघ प्रमुख के इस बयान को केंद्र सरकार पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।